उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज चंदौली पहुंचेंगे तो सैयद रजा महोत्सव का जुरान उन्हें उद्घाटन करना है, जहां सैयद रजा में विकास के लिए 437 करोड़ 99 लाख रुपए की सौगात भी दी जाएगी। तो पीडब्ल्यूडी की 141 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाना है। वहीं 273 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। विपक्ष का काम आरोप लगाना है और भारत और उत्तर प्रदेश का दायित्व सदा यही रहा है और इसी धर्म को हम निभाते रहे कि अतिथि देवो भव। अगर दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं और भारत आते आने के बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मुझे लगता है कि स्वागत करना, सम्मान करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है, राज्य की जिम्मेदारी भी है और वह हम लोग कर रहे हैं। तो चंदौली के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं, जहां पर सैयद रजा महोत्सव का उद्घाटन उन्हें करना है और सैयद रजा में विकास के लिए 437 करोड़ 99 लाख रुपए की जुरान वो सौगात भी देंगे। जहां पीडब्ल्यूडी की 141 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा तो वहीं इसी के साथ 273 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएंगे। तो महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। महेंद्र, चंदौली के लिहाज से आज का जो दौरा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का होने वाला है वो कितना अहम है और कौन कौन सी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास यहाँ पर करेंगे, उद्घाटन यहाँ पर करेंगे? जी रितु, बता दूं कि ये जो दौरा है केशव प्रसाद मौर्य का आगामी चुनाव को भी देखते हुए, ये एक उनका जो दौरा है ये विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो कार्यक्रम है वो चंदौली के सैयद रजा में एक 273 करोड़ के कार्यों का जहां लोकार्पण करेंगे वही शिलान्यास भी करने की उनकी किया गया है, उनका कार्यक्रम रखा गया है, शिलान्यास भी कई जगहों पर करेंगे। तो ऐसे में जो ये कार्यक्रम है ये विशेष माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सैयद रजा में जहां मौर्य समाज का वोट भी काफी है, मौर्य समाज के लोग हैं, तो वहां पर ये प्रोग्राम रखा गया है। जी चलिए, धन्यवाद आपका महेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।